गाइस आप देख रहे हैं बी एस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महास माना जा आज दे वो सर कहने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन फिल्म मूवी सिंगम अगेन, जिसके कंटेंट का इस टाइम पब्लिक बहुत ही बेसब्री के साथ वेट कर रही है। ये स्क्रीनिंग आप सभी को पता है कि यहां पर अभी तक अजय देवगन सर का ऑफिशियल पोस्टर भी नहीं आया, उसके बावजूद भी इस मूवी की जो हाइप है वो आसमानों को छू रही है। और यहां पर इस मूवी के टीजर ट्रेलर को लेकर, इस मूवी के पोस्टर को लेकर यहाँ पर जो अपडेट्स है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 3 अक्टूबर को इस मूवी से ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस मूवी के ट्रेलर को लेकर कुछ और ही अपडेट्स निकल कर आ रही है। तो दोस्तों क्या अपडेट्स निकल कर आ रही है सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप ऐसी वीडियोस को देख सके। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपडेट्स निकल कर आ रही थी कि 3 अक्टूबर पर सिंगम अगेन मूवी का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर जो अभी अपडेट्स निकल कर आ रही है, रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो मेकर्स हैं वो 3 अक्टूबर पर इस मूवी का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो रिलीज नहीं करने वाले, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर 3 अक्टूबर पर इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आएगा तो भाई साहब एक मंथ पहले इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हो जाएगा और उसके बाद मेकर्स को इस मूवी से सॉन्ग रिलीज करना पड़ेंगे। तो यहां पर जो मेकर है वो इतनी जल्दी इस मूवी का जो ट्रेलर है वो रिलीज नहीं करना चाहते। यहां पर शायद इन दिनों यानी कि आज 1 अक्टूबर है तो आज कल या परसों आपको इस मूवी से कोई ना कोई ऑफिशियल पोस्टर आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन इस मूवी का जो टीजर ट्रेलर है वो इतना जल्दी नहीं आने वाला, क्योंकि यहां पर जो अपडेट्स निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग 8 अक्टूबर को या फिर 11 अक्टूबर को इस मूवी का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो हमें देखने को मिलने वाला है। यस, यानी कि ये 2 डेट्स निकल कर आ रही है और इन्हीं डेट्स के बीच में हमें इस मूवी का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जब 11 अक्टूबर पर अगर इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जाता है तो फिर इस मूवी को रिलीज होने में सिर्फ 20 दिन बचेंगे और 20 दिन में जो मेकर है वो आसानी से 2 सॉन्ग रिलीज कर सकते हैं और फिर एडवांस बुकिंग ओपन करके इस मूवी को रिलीज कर सकते हैं और बाकी का जो कंटेंट होगा वो मूवी के लिए बचा कर रखा जाएगा। यानी कि काफी अच्छी प्रमोशन की स्ट्रेटजी यहां पर नजर आ रही है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो भाई सब टीजर ट्रेलर को इसलिए डिले किया जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे इस मूवी की ऑलरेडी हाइप क्रिएट हो रही है, तो शायद मेकर आने वाले दिनों में 2-3 पोस्टर रिलीज करेंगे, उसके बाद ट्रेलर की प्रॉपर अनाउंसमेंट करेंगे और बाय सब ट्रेलर रिलीज कर देंगे। और यहां पर ट्रेलर को लेकर जो अपडेट्स निकल कर आ रही है वो यही है कि जो ट्रेलर है वो हमें 8 या फिर 11 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है, यानी कि दशहरा पर हमें ये जो ट्रेलर है वो देखने को मिलने वाला। और बाय सब रोहित शेट्टी सर की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है, क्योंकि उन्होंने पीवीआर वालों से भी बाय सब डील कर ली, उसके अलावा आप सभी को पता है कि अब तो उनकी एक और बहुत बड़ी डील हो चुकी है ओटीटी की। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो तबाही वाली अपडेट्स हैं वो निकल कर आ रही है। तो दोस्तों यहां पर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं सिंगम अगेन मूवी के लिए, हमें एक बार दो तक उठ लेकर सब्सक्राइब करने ताकि वीडियोस को देख सकें।